नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लासिंग में रीजनल प्लानिंग जो है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। रीजनल प्लानिंग लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले अपन ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी कम्प्लीट डिस्कस किया है और आज का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें अपन जो प्रमुख थिंकर्स हैं रीजनल प्लानिंग में उनको कवर करेंगे। पहले अपन मेजर जो फॉरेनर्स हैं उनका वर्क देखेंगे, फिर इंडियन जो थिंकर्स हैं उनका वर्क देखेंगे। तो आज के क्लास में रीजनल प्लानिंग के थिंकर्स देखेंगे और सभी जो थिंकर्स हैं उनका डिटेल बाद में भी एनालिसिस करेंगे जब उनका वर्क देखेंगे। अभी हम उनका उनके बुक्स पे फोकस करेंगे, बुक्स और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर उनका रिलेटेड वर्क है वो किस कंट्री में है, उनका वर्क है वो देखेंगे अपन। तो आज की क्लास में थिंकर से शुरू करते हैं अपन। प्रमुख प्रादेशिक नियोजक हैं उनका वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले हैं बेटन मेकाय। बेटन मेकाय का समय 1879 से 1975। अमेरिकन नियोजक हैं ये और सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रादेशिक नियोजन जो है उनमें सबसे प्रथम है और ये संस्थापक हैं, प्रादेशिक नियोजन के संस्थापक हैं। संस्थापक या जनक भी कह सकते हैं इनको, संस्थापक हैं। इन्होंने 1928 में प्रादेशिक नियोजन विषय की आधारशिला रखी थी। तो ये सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए बेटन मेकाय सबसे पहले हैं। नेक्स्ट इनकी बुक्स देखते हैं। अमेरिकन टाउन प्लानिंग करते थे ये और इनकी बुक्स देखते हैं। द न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, एन एप्लेशियन ट्रेल, एक्सपेंडिशन 9 ए रिटर्न टू ए रीजन और लॉन्ग ट्रेल ऑफ द साउथ ईस्ट। ये इनकी बुक्स है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये संस्थापक हैं प्रादेशिक नियोजन के और इनका वर्क अमेरिकन नियोजक हैं ये। 1928 में इन्होंने इस विषय की आधारशिला रखी, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्लेरेंस पेरी। इनका रिलेटेड वर्क जो आएगा जब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे, इसमें इनका एक स्टेटमेंट भी आता है, बेटन मेकाय का एक स्टेटमेंट देखते हैं अपन कि प्रत्येक सुविचारित कार्य, सबसे पहले कोई जैसे कार्य करते हैं अपन, कोई सुविचारित कार्य जैसे नियोजन करेंगे तो उससे पहले उसका विचार करना पड़ेगा। तो सुविचारित कार्य है वो सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होता है, दिमाग में चिंतन से शुरू होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, चिंतन से शुरू होता है और फिर वह वास्तविक रूप लेता है। चिंतन से शुरू होकर क्या होता है, वास्तविक रूप लेता है। तो इस वास्तविक रूप ले सके इसके लिए क्या होना चाहिए, चिंतन प्रक्रिया में शामिल करके उसको उसका अभ्यास किया जाना चाहिए, अभ्यास तो हो जाए उसका या अभ्यास किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले कोई सुविचारित कार्य है या नियोजन है वो सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होता है, चिंतन से फिर चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वो वास्तविक स्वरूप लेता है और वास्तविक स्वरूप में लेने के लिए उसका क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये स्टेटमेंट है बेटन मेकाय का, अमेरिकन नियोजक है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है इनका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको विकास से या नियोजन से रिलेटेड इनका स्टेटमेंट है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्लेरेंस पेरी। क्लेरेंस पेरी का समय है 1872 से 1944। नेक्स्ट है ये अमेरिकन प्लानर है, सोशलिस्ट लेखक हैं, ये समाजसेवी लेखक हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी के नगर नियोजन विभाग में इन्होंने कार्य किया है, ये इस डिपार्टमेंट में थे न्यूयॉर्क सिटी के। तो इस टाइम ही इन्होंने ये जो बुक्स हैं ये लिखी और रिलेटेड वर्क है वो उनका सामने आया। न्यूयॉर्क सिटी के टाउन प्लानर रहे हैं ये और इनका वर्क देखते हैं ये क्या क्या कंसेप्ट हैं इनके। नेबरहुड कम्युनिटी, रिक्रिएशन सेंटर, कम्युनिटी लाइफ, ये इनके इन तीन में इनका वर्क है। और इनकी बुक है हाउसिंग फॉर द मशीन इज 1939 और नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये पड़ोसी इकाई संकल्पना है, पड़ोसी इकाई संकल्पना उसके लिए जाने जाते हैं, पड़ोसी इकाई संकल्पना या फिर नेबरहुड यूनिट कंसेप्ट, नेबरहुड यूनिट कंसेप्ट इनका देखते हैं, इमेज देखते हैं अपन। नेबरहुड यूनिट कंसेप्ट जो है संकल्पना उसके लिए जाने जाते हैं ये। और ये भी अमेरिकन प्लानर है, तो इसमें मैंने बेटन मेकाय की भी इमेज है ऐड करी हुई है, आप देख सकते हैं बेटन मेकाय। समय इनका देख लिया था अपन ने 1879 से 1975, मैसाचुसेट्स अमेरिकन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी स्टडी हुई है और इनका रिलेटेड वर्क यहाँ भी है, ये फॉरेस्टर भी हैं और कंजर्वेशनलिस्ट राइटर एजुकेटर हैं ये, तो संरक्षणवादी हैं और फॉरेस्टर भी हैं ये, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बेटन मेकाय। बेटन मेकाय के बाद अपन क्लेरेंस पेरी की बात कर रहे हैं। क्लेरेंस पेरी का टाइम देख लिया 1872 से 1944 है, अमेरिकन प्लानर है, सोशियोलॉजिस्ट है, ऑथर है, और इनका ऑथर है ये। इनका वर्क देख लिया अपन ने, पड़ोसी इकाई संकल्पना में इनका वर्क है, पड़ोसी इकाई, तो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अपने नेट में पड़ोसी इकाई संकल्पना,
कि नेबरहुड यूनिट से रिलेटेड कौन है, और एक इनका जो रिलेटेड क्रम पूछा जाता है, जैसे क्लेरेंस पेरी हो गया, पेरी सबसे पहले आएगा, फिर एम्बरक्रोम्बी, एम्बरक्रोम्बी है, एम्बरक्रोम्बी भी पढ़ेंगे अपन, एम्बरक्रोम्बी, फिर हावर्ड है। इस प्रकार से इनका डायरेक्ट अपने जो समय है ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि पेरी को भी अपने देखा है 1872 है, 1872, फिर एम्बरक्रोम्बी को देखेंगे अपन तो 1879 है, और हावर्ड है वो 1850 है, तो हावर्ड पहले आएगा, सॉरी एम्बरक्रोम्बी 1879 है और ये है 1850, तो हावर्ड पहले आएगा। ये क्रम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और फिर एक अर्नेस्ट मे है तो वो भी आएगा, 1886 है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे जो भी इंक्लूड किया है 1872, 1944, तो इसीलिए कि जब आपसे क्रम पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये जो क्रम है वो यहाँ दिखाए गए। अब नेबरहुड यूनिट में क्या होता है वो देखते हैं अपन। नेबरहुड यूनिट के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है ये, इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, रेजिडेंशियल यूनिट, स्कूल, शॉपिंग सेंटर, ट्रैफिक रोड्स, रेलवे स्टेशन और ओपन स्पेस। तो इसमें बीचों बीच रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवेज़ के लिए समय वो दिखाया गया है, स्थान दिखाया गया, और ये सारी रोड्स दिखाई गई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जोड़ने के लिए इनको, रूट्स को सभी को जोड़ने के लिए सड़कें हैं, और ये जो मेन मेन जो यूनिट्स हैं वो किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसका कंसेप्ट है ये, एक प्रतीकात्मक चित्र है जो पड़ोसी का संकल्पना मॉडल है उसका। तो मेन रोड्स, सेकेंडरी स्कूल्स और ये यूनिट्स हैं सारी, ओपन स्पेस भी रखा गया है बीच में इनके। तो इस प्रकार से ये एक प्रतीकात्मक मैप है। तो क्लेरेंस पेरी कोपन को किस लिए याद रखना है, नेबरहुड संकल्पना में इनका वर्क है। नेक्स्ट है पेटर एम्बरक्रोम्बी, पेटर एम्बरक्रोम्बी से रिलेटेड भी अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें अपन देखते हैं इनका वर्क। क्लेरेंस पेरी के बाद क्लेरेंस स्टेन भी है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इनका मैप या इमेजेस इसमें कोई भी रिलेटेड है नहीं यहाँ पर। क्लेरेंस स्टेन का टाइम है 1882 से 1975 और ये भी अमेरिकन है। इनका वर्क गार्डन सिटी मूवमेंट आएगा अभी, इब्नेजर हार्वर्ड इसके लिए फेमस है, तो गार्डन सिटी मूवमेंट के ये अग्रणी विचारक हैं। बुक है इनकी टुवर्ड न्यू टाउन फॉर अमेरिका। अभी अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि क्लेरेंस स्टेन अमेरिकन है और इनका वर्क है गार्डन सिटी मूवमेंट में, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये जो एज है, किस प्रकार से इनका समय याद रखना है वो समय बता दूंगी आपको। क्लेरेंस स्टेन अमेरिकन है, गार्डन सिटी मूवमेंट से रिलेटेड है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। बहुत बार इनको देखेंगे, इजीली याद हो जाएंगे ये सब के सब। इनकी इमेज इसमें इंक्लूड नहीं करी हुई है। पेटर एम्बरक्रोम्बी की इमेज है, पेटर एम्बरक्रोम्बी ब्रिटिश हैं, अभी अमेरिकन देखे थे, अभी ब्रिटिश हैं, पैट्रिक एम्बरक्रोम्बी। समय देखते हैं इनका, 1879 से 1957 समय है, और नगर नियोजन का पिता कहलाता है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। और इन्होंने 1943 में लंदन शहर का नियोजन किया था, 1944 में द ग्रेट लंदन प्लान है वो तैयार किया था 1944 में। किसके साथ मिलकर किया था, जॉर्ज हेनरी फोर्शो के साथ मिलकर किया था। ये उस टाइम जो ब्रिटिश नगर नियोजन डिपार्टमेंट है उसमें वर्क करते थे ये, तो उनके साथ मिलकर, और ये एक वास्तुकार या शिल्पकार है, इनके साथ मिलकर इन्होंने, ये तो डिपार्टमेंट में काम करते थे और इनके साथ मिलकर ये इन्होंने वर्क किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो नियोजन है उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। अव्यवस्थित लंदन के लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने जो द ग्रेटर लंदन प्लान किया उसको एम्बरक्रोम्बी प्लान भी कहते हैं, तो एम्बरक्रोम्बी प्लान भी लिखा सकता है डायरेक्ट, और द ग्रेटर लंदन प्लान भी आ सकता है। इनकी बुक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द बुक ऑफ मॉडर्न हाउस, ए प्लान फॉर द सिटी ऑफ किंगस्टन ऑफ हूल। तो ब्रिटेन है, उसको कैसे याद रख सकते हो, ब्रिटेन में जो किंग है उसका, क्वीन होती है सॉरी, किंग का शासन होता था, ऐसे याद रख सकते हो आप, एक मैप बना सकते हो, इमेज मैप, कि किंग का रूल था, रूल और हूल ऐसे याद रख सकते हो, और वो क्या है मॉडर्न हाउस में रहता था, उसके लिए किसने तैयार किया, एम्बरक्रोम्बी है, उसने एक प्लान तैयार किया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप काम चला सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एम्बरक्रोम्बी, पैट्रिक एम्बरक्रोम्बी, इनका वर्क देखते हैं अपन। 1879 इंग्लैंड में बोर्न, और समय है 1879 से 1957, सिटी प्लानर है ये, ऑक्यूपेशन इनका इतना ही है इसमें, बस एक इमेज इसलिए दिखाई जा रही है कि आपको याद रखने में थोड़ी सहूलियत हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बाकी याद सिर्फ अपने को हर बार इमेज याद नहीं रहती है, थोड़ा नाम के साथ ही अपन बुक्स इनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कोलिन बुकानन, कोलिन बुकानन प्रसिद्ध ब्रिटिश नगर नियोजक हैं, ये ब्रिटिश हैं, एम्बरक्रोम्बी के बाद बुकानन भी ब्रिटिश हैं, और इनकी, इनका समय है 1907 से 2001, और इनकी बुक्स हैं ट्रैफिक इन टाउन, अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पॉलिसी, और इनका वर्क है यातायात संयोजन में। कोलिन बुकानन को अपन कैसे याद रख सकते हैं, कि बुरके वाली नन होती है ना, नन जो ईसाई होते हैं उनमें होती है नन, बुरके वाली नन जब ट्रैफिक में आई तो वहाँ क्या हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ट्रैफिक जाम हो गया, बुरके वाली नन जब टाउन में आई तो ट्रैफिक
ट्रैफिक जाम लग गया, जाम मतलब वी संयोजन हो गया, यातायात है वो डिस्टर्ब हो गया, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इसमें। और इन्होंने अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पुलिस पर इनका वर्क है, तो ये याद रह जाएगी शायद, मेरे को लगता है आपको। इसमें इनकी बुक देखते हैं, ट्रैफिक इन टाउन, इसमें किसकी स्टडी है इस बुक में, स्टडी ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में लंबे समय से जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऑथर है इसके कोलिन बुकानन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये वर्क करते थे, कंट्री है यूके, लैंग्वेज इंग्लिश, बुक से रिलेटेड है ये। और इसमें क्या सब्जेक्ट है कि रिपोर्ट्स ऑफ द स्टीयरिंग ग्रुप्स एंड वर्किंग ग्रुप अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसने इनको रखा और फिर उस पर वर्क किया इन्होंने। तो फिर बताया कि किस प्रकार से जो लंबे समय तक ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है वो सिटी में बनी रहती है, और किस प्रकार से यातायात में जो विसंयोजन किया जाए तो ये व्यवस्था है बनाई जा सकती है। तो ये 1963 में आई है ये बुक, ट्रैफिक इन टाउन। बुक की कई बार डेट पूछ ली जाती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए, इसलिए अपन इसको यहाँ देख रहे हैं। ये बुक है ट्रैफिक इन टाउन, कोलिन बुकानन की बुक है ट्रैफिक इन टाउन। नेक्स्ट देखते हैं इब्नेजर हावर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका समय भी ध्यान रखना है अपने को, 1850 से 1928, ब्रिटिश टाउन प्लानर है ये और गार्डन सिटी आंदोलन का जनक है। इससे पहले अपन ने क्लेरेंस पेरी को क्या देखा था अपन, गार्डन सिटी जो आंदोलन है उसके अग्रणी के रूप में देखा था क्लेरेंस पेरी के बाद देखा था क्लेरेंस स्टेन को। पेरी का तो नेबरहुड कंसेप्ट है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन कि जो परी है, पेरी को परी से याद रख सकते हैं, परी के नेबर में कौन नहीं रहना चाहेगा, सभी रहना चाहेंगे, तो परी के नेबर में रहना चाहते हैं सब, तो नेबर परी ऐसे याद रख लेना। और इसके बाद क्लेरेंस स्टेन जो है वो गार्डन सिटी के अग्रणी के रूप में माने जाते हैं, अग्रणी या विचार शुरू करने वाले, और ये गार्डन सिटी आंदोलन के जनक कहलाते हैं इब्नेजर हार्वर्ड। अब गार्डन सिटी क्या है, गार्डन सिटी एक प्रकार की आदर्श सिटी है जिसमें ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वच्छता होगी, और बहुत सुंदर सिटी के रूप में विकसित करने से रिलेटेड है ये, इसको अपन फिर देखेंगे बाद में। अभी गार्डन सिटी आंदोलन की बेसिक क्या है, नींव कहाँ से रखी गई, ये किससे प्रेरित है, तो वो देखिए, यूटोपिया एक आदर्श सोसाइटी होती है जहाँ सभी को समानता का अधिकार है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो इस प्रकार से आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता है, सभी तरह की समानता है। यूटोपिया एक आदर्श स्थिति है जो कि पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक आदर्श स्थिति है यूटोपिया। तो यूटोपिया से प्रभावित ऐसी सोसाइटी है जो नियर परफेक्ट क्वालिटीज़ के आसपास है, कि जो भी गार्डन सिटी में रहेंगे उनके लिए सभी तरह की समानता है, जो इकोनॉमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता है वो प्रोवाइड की जाएंगी और उनको सभी तरह की सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, इस प्रकार से हैं। और यूटोपिया पुस्तक है थॉमस मोर की, 1516 में आई थी ये पुस्तक, और जो यूटोपिया शब्द है वो भी थॉमस मोर ने दिया है, शब्द भी थॉमस मोर का है, तो ये भी पूछा जा सकता है, थॉमस मोर का शब्द और बुक दोनों ही थॉमस मोर की है, 1516 में ये बुक आई थी। यूटोपिया से प्रेरित है गार्डन सिटी आंदोलन, वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर देखते हैं अपन हावर्ड है, इब्नेज़र हावर्ड की बुक है टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म 1898, सबसे पहले ये बुक आई थी, फिर इसके बाद इसमें संशोधन करके 1902 में गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो बुक आई। अब देखिए ये इन्होंने संकल्पना दी, कंसेप्ट डेवलप किया और फिर इस पे बेस्ड सिटी बनाई गई। फर्स्ट जो गार्डन सिटी है वो है लिचवर्थ 1903 में, और फिर जो सेकंड वास्तविक गार्डन सिटी है वो है वेलविन 1920। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गार्डन सिटी कंसेप्ट के बाद जो प्रथम गार्डन सिटी बनाई गई वो कौन सी थी, तो लिचवर्थ है, द्वितीय है वो वेलविन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा और डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं गार्डन सिटी संकल्पना की विशेषता क्या है और गार्डन सिटी आंदोलन के मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट का मतलब तो क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर या जैसे आकर्षण वाले केंद्र हो गया। गार्डन का मैग्नेट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करने वाले केंद्र, मैग्नेट हो गए, चुंबक होता है तो चुंबक आकर्षण पैदा करता है, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो टाउन कंट्री और टाउन कंट्री, ये तीन तो क्या हो गए, मैग्नेट हो गए। और विशेषता क्या है, गार्डन सिटी में रहने वालों को क्या क्या विशेषताएं या सुविधाएं वो मिलेगी, तो उनमें समानता होगी, आर्थिक और इकोलॉजिक और इक्विटी, ये तीन इनकी विशेषता है। गार्डन सिटी की विशेषता है तीन और मैग्नेट है तीन, ये तीनों डायरेक्ट अपने पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं अपन अर्नेस्ट मे, अभी अपन ने अमेरिकन प्लानर देखे हैं और ब्रिटिश प्लानर देखे हैं, इसके बाद है अपने जर्मन अर्नेस्ट मेयर, और ये इनिशिएटिव है जैसे शुरुआत करने वाले हैं, अभी आगे और भी आएंगे उनमें, फिर ऐसे अपन देखें स्वीडिश आएंगे, जर्मन आएंगे, अमेरिकन आएंगे, फिर आएंगे, अभी ये शुरुआती जो हैं अपने अपने देश में शुरुआत करने वाले में हैं। तो इसमें है अर्नेस्ट मेयर का समय है 1886 से 1970, और ये जर्मन वास्तुशिल्पकार हैं, नगर नियोजक हैं, और इन्होंने फ्रैंकफर्ट नगर का प्लान तैयार किया। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फ्रैंकफर्ट नगर का प्लान किसने तैयार किया, तो अर्नेस्ट मेयर ने किया।
और इन्होंने जिग जैग हाउस की अवधारणा दी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसके लिए दी, फ्रैंकफर्ट शहर है जर्मनी का, उसके लिए दी। और शहरों में ब्रिज बनाने की सबसे पहले जो संकल्पना प्रस्तुत करी वो अर्नेस्ट मेयर ने करी। जिग जैग का मतलब क्या होता है कि जैसे इस तरह से अपन ने एक कॉलोनी बना दिया, एक घर इस प्रकार से बना दिया, तो फिर उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना, फिर यहाँ इसके बराबर में नहीं बनाकर इसके लिए, ताकि इसके लिए क्या हवा प्रकाश है वो अच्छी तरह से उसको उपलब्ध हो सके, यहाँ पर पौधे भी लगाए जा सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ इसके लिए जो ग्रीनरी है वो करी जा सकती है क्रिएट, इसके लिए यहाँ ग्रीनरी जो है वो क्रिएट की जा सकती है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर भी लगे दिखने में, और जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य प्रकाश जो एसेंशियल जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहें। तो इस प्रकार से इन्होंने जिग जैग शहर जो है उसकी कल्पना प्रस्तुत की अर्नेस्ट मे ने। तो अब आप मे से कैसे याद रख सकते हो, मे क्या बकरी ऐसे मे करती है, तो आप याद रखोगे कि वो जो है जरूरी तो है नहीं कि बकरी बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन में चढ़ती जाए, वो कहीं भी जा सकती है चढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से जिग जैग आप याद रख सकते हो, अगर याद नहीं भी रखना चाहो तो अपनी ट्रिक बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो बकरी की मे से आपको याद रह जाएगा जिग जैग। नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्नेस्ट मे को, अपन ने देख लिया अर्नेस्ट मे का वर्क, देखते हैं अपन अर्नेस्ट मे का वर्क देखते हैं इसमें। अर्नेस्ट मे का समय 1886 से 1970 है, और जर्मन आर्किटेक्ट है ये, सिटी प्लानर है ये, अपन ने देख लिया। अब इन्होंने क्या किया कि जो फ्रैंकफर्ट शहर है उसके लिए ये प्लान तैयार किया था, और ये जो जर्मनी की नाजीवादी नीति है उसके कारण इनको बाहर रहना पड़ा था, जर्मनी हिटलर की जो नाजीवादी नीति है उसके कारण इनको बाहर कर दिया गया था, और ये अपने लाइफ के जो एंड टाइम था उसमें फिर ये वापस जर्मनी आए थे एंड टाइम में, बिल्कुल जर्मनी आए थे। तो इनका जो देश में जो प्रभाव है या फिर वर्क है वो बहुत कम ही हो पाया था। तो ये इन्होंने इनका वर्क देख लीजिए आप, अर्नेस्ट मे का जिग जैग सिटी, आपने को एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये जिग जैग हाउस है, ये याद रखना है जिग जैग हाउस, ये फ्रैंकफर्ट नगर के लिए इन्होंने तैयार किया था प्लान। तो आज की क्लास में अपन ने जो इनिशिएटिव है रीजनल प्लानिंग के उनको पढ़ा है, इसके बाद अपन और भी इम्पोर्टेंट इसमें थिंकर्स हैं, ली कार्बूजियर है, सूर्या वाइमाटा है, एफ एल राइट है, तो ये बहुत सारे हैं। ली कार्बूजियर का वर्क चंडीगढ़ सिटी के लिए, तो उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। तो मेन मोटिव अपना यही है कि आप थिंकर्स को सिर्फ और सिर्फ उनका जो वर्क है वो अपन एक लाइन भी अगर याद रख पाएँ तो आपका ये लेक्चर देखना सक्सेस है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि हाँ अर्नेस्ट मे नाम आते हैं जिग जैग, पेटरिक एम्बरकॉम्बी नाम आते ही जो लंदन प्लान है वो याद आने चाहिए, क्लेरेंस पेरी पेरी के नेबरहुड में रहना चाहेंगे सब, तो नेबरहुड यूनिट संकल्पना याद आनी चाहिए। बेटन मेकाई का मतलब सबसे पहले जो प्रादेशिक नियोजन संकल्पना है उसमें वर्क करने वाला बेटन मेको, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है अपने को। बुकानन नाम आते हैं, बुरके वाली नन ट्रैफिक टाउन में आई तो क्या हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया। और इबनेजर हार्वर्ड है, उसको तो अपन हार्ड गार्ड से भी याद रख सकते हैं, और गार्ड जो है गार्ड को टू मारो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक है, जैसे ही आप रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या याद रख सकते हैं अपन, हार्ड गार्ड को टू मारो, हार्ड गार्ड गार्ड है बहुत ऐसे रूडली बिहेव करता है, हार्ड गार्ड को टू मारो मतलब दो मारो, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। हार्ड गार्ड से क्या हो जाएगा, गार्डन सिटी, हार्ड से हार्वर्ड हो जाएगा, टू मारो के टू मारोज गार्डन सिटी ऐसे हो जाएगा। तो इजीली आप याद रख सकते हो सब चीज़ों को, बस चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए आपको। बुक्स हैं तो बुक अपने को याद रखनी है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताती जा रही हूँ आपको साथ साथ। तो सभी जो अपने थिंकर्स आज अपन ने पढ़े हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए, कल वाले फिर और ऐड हो जाएंगे, तो आज का काम है वो आज में ही आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।